बैक टू माई चैनल दिल की बातें और आप हैं ज्योति के साथ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी अभी ब्लॉग, और पीछे मैं अभी अपने बेटू को लेके आई हूँ। और ये मुझे रास्ते में बहुत उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने में पड़ा हुआ था, अभी आपको बताती हूँ। और ये जो बैग देख रहे हैं, ये टेलर के यहाँ जाने वाला बैग है, वो जो मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई थी और सूट वगैरह दिखाए थे, और वो अभी तक नहीं पहुँच पाया। मैं दो बार उनके ये आप गंदगी लगी हुई है, पैर धुल गया ये, तो मैं उनके यहाँ दो बार गई तो उनकी शॉप बंद थी। और मैंने कहलवाया है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो ये लड़का मुझे बहुत सारी पट्टियाँ पढ़ाने में लगा हुआ था रास्ते में, बोला मैं दो तीन दिन से फ्रूटी वगैरह नहीं दे रही हूँ उसे, बिकॉज़ इनको जो है ना क्या कहते हैं, ज़ुकाम भी हो रहा है, प्लस इनको थोड़ा सा डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी इनको वॉमिटिंग वगैरह हुई थी और कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं। तो ये लड़का मुझे रास्ते में पट्टियाँ पढ़ा रहा था कि मम्मा मैं ना वहाँ जाता था ना समर कैंप, तो मैंने कहा यस बेटा। तो बोले कि ना मम्मा वो जो ड्राइवर अंकल थे जो हम लोगों को छोड़ने आते थे घर, तो मैंने कहा यस बेटा बहुत अच्छे थे। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा ना उन्होंने एक दिन ना सब बच्चों को फ्रूटी दिलाई थी। अब बताओ एक फ्रूटी के लिए इसने इतनी बड़ी भूमिका बांधी, इतनी बड़ी कहानी गढ़ी है ना, है ना, फ्रूटी के लिए ही किया था ना ये सब। तो बच्चे सोचते हैं कि मम्मी और डैडी ना तो बिल्कुल कुछ उनको आता नहीं है समझ में, हम जो बताएंगे तो वो, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि पीछे क्या मकसद है आपकी ये कहानी, है ना। व्हाट इज योर प्लान एंड फ्रूटी के लिए इन्होंने इतनी बड़ी कहानी है, ये कहानी नहीं है। और बज रहा है पौने दो, मैं इनको अभी स्कूल से लेके आई हूँ और गर्मी है, इंडिया के कोने कोने में बाढ़ आ रही है और बारिशें हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में तो सूखा पड़ा हुआ है। थोड़े दिन पहले भी बारिश हुई थी, फिर स्टॉप लग गया है, मुझे लग रहा है हफ्ता होने वाला है बारिश हुए। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देनी थी अपनी, एक जो है बहुत क्या कहते हैं अपनी जो है खुशी आपके साथ शेयर करनी थी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। और क्योंकि वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो मेरे लिए क्यों बड़ी है, क्योंकि जब आप उम्र के मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब आपकी स्टडी छूट चुकी हो, आपको पढ़ाई लिखाई और सब छोड़े हुए 10-12 साल हो रहे हों, आप सिर्फ अपने बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी में और अपने जो है घर परिवार में बिल्कुल पूरी तरीके से व्यस्त हों, और उसके बाद अचानक आप कोई ऐसी चीज़ अचीव कर लें तो बहुत खुशी होती है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो भी बूस्टअप हो जाता है, आपको भी लगता है यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं अभी भी कर सकती हूँ, मैं और भी कर सकती हूँ। तो कुछ ऐसे ही मुझे फीलिंग्स ही हो रही है, और इसको मैं बताऊँगी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इसके सारी यूनिफॉर्म वगैरह ये देखो कचरे की तरह जो रख गया है ना, मैं इसको सही कर लेती हूँ, बिकॉज ये ऐसी पड़ी रहेगी। और एक वीडियो और भी मैं शूट करने वाली हूँ, वो बहुत अच्छा रिव्यू वीडियो होगा, तो वो जब भी आए, कल आए, इस ब्लॉग के पहले आए या ब्लॉग के बाद में आए, अभी मैंने शूट नहीं किया है, बस प्लान किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स कुकर मैंने चढ़ाया है, और ये कल मैंने कुछ भुट्टे लिए थे, कुछ क्या 1 kg 2 kg भुट्टे थे, हाँ 2 kg भुट्टे थे, जिनका मैंने ऊपर का छिलका उतार लिया और इनको इतने इतने बड़े पीसेस में कर लिया है, और मैं इनको बॉयल करूँगी। ये कच्चे दाने वाले भुट्टे हैं, तो मैं ये कुकर में डाल दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जो अभी के जो कच्चे कच्चे से भुट्टे आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पानी लगता है, मुझे और डालना पड़ेगा। और इसमें मैं 1 स्पून जो है नमक भी डालूंगी पानी में, और
इनको मैं बॉयल कर लूँगी। ये मुझे अच्छे लगते हैं खाने में और जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्दी भी होते हैं प्लस टेस्टी भी होते हैं। अब जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे 4-5 सीटी लगाने के बाद में फिर हल्का सा नींबू लगा के इस पे खाना है तो बहुत ही यमी यमी से लगते हैं। तो यशु का भी बड़ा मन था और मेरा भी मन था, शिवू भी खाता है लेकिन वो इतना नहीं खाता है, तो मैं जो है इसको बॉयल कर लूँगी। मैंने जो है ना ये आलू परवल की सब्जी बनाई थी जो कि इतनी रखी है, प्लस जो है मैंने मटर बनाए थे कल जो मैंने माइक्रोवेव कर लिए हैं। ये मटर भी है कुलचे वाले जो दिल्ली के फेमस हैं, कुलचे और मटर, तो ये मटर बनाए थे और ये सब्जी है। तो अभी मैं बनाऊंगी कुलचे या पराठे, बच्चे जो कहेंगे। अभी ये शिवू आया नहीं है तो शिवू जब आएगा तब उससे पूछूंगी। तो ये दो सब्जियां पड़ी मेरे पास ऑलरेडी और बस मैं इन्हीं का यूज़ करूंगी। ये सुबह की सब्जी है, ये मटर रात के हैं जो मैंने रात में कल छोले और कुलचे बनाए थे, यानी मटर और कुलचे। तो कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, यशु की मूड भी सही नहीं था तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। अगर आप कहेंगे तो मैं इन कुलचों की जो है और ये जो मटर बनाए इनकी रेसिपी शेयर करूंगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो लंच कुछ बनाना नहीं है, आएंगे तो बस बच्चे जो बोलेंगे। अगर कुलचे बनाएंगे तो थोड़ा सा आटा कुलचों का मैंने रखा था फ्रिज में जो कि मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, बिकॉज फ्रिज के आटे का तो कुलचा नहीं बन सकता है, उसे अच्छी तरीके से मतलब बाहर होना चाहिए गर्म में, और रात में अगर मैं बाहर छोड़ देती तो वो ख़राब हो जाता है ना। तो भुट्टे जो है मेरे बॉयल हो जाए और इनको मैं रख देती हूँ बंद करके, जब शिवू आएगा तब देखेंगे क्या बनना है। तो फ्रेंड्स भुट्टे मेरे बॉयल हो चुके हैं और मैंने टेस्ट भी कर लिया, बहुत ही टेस्टी भुट्टे हैं और मैं इनको इसी में पड़े रहने दूंगी क्योंकि अभी बच्चे खा नहीं रहे हैं और वरना ये ठंडे हो जाएंगे। देखा कितने अच्छे अच्छे से भुट्टे लग रहे हैं, मोतियों की तरह चमक रहे हैं। और मैं भूल गई बनाना, मैंने बताया था ना कुछ आटा रखा हुआ है तो मैंने बनाए थे भटूरे, तो ये एक बचा है, एक क्या उसमें से भी यशु ने थोड़ा खा लिया है, इतना ही बचा हुआ है। अब मैं शूट करना भूल गई थी, मैंने भटूरे बनाए, 4 भटूरे बने थे उतने जो आटा बचा हुआ था। तो हम लोगों का लंच हो गया है, अब जिसको जो खाना होगा वो बाद में देखेंगे, लंच तो हो गया है, शाम की चाय के साथ देखेंगे कि क्या खाते। वैसे मैं तो भुट्टा खाने वाली हूँ। और कोई देखो, ये देखो नारा, नारा बच्चे चप्पल ना बीच में ही छोड़ देते। लारा ये देखो, ये मेरे घर में एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, देखो ये हमेशा जो है नीचे ही बैठे रहते हैं दोनों साथ साथ में। ये देखिए अब मैं सामने आई हूँ, इन्हें लगा कि खाना देने आई है तो उठ के ऊपर आ रहे हैं, अदरवाइज नीचे ही बैठे रहना है। हाँ तो बज गए हैं शाम के 5 क्या 5:30 बज रहा है एक्चुअली, और मैं थोड़ा सा सो गई थी, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, और मैंने यहाँ का फैन ऑफ कर दिया है और उस रूम में बच्चे सो रहे हैं तो उस रूम में नहीं, और यहाँ एसी नहीं है। ये एक्चुअली रूम है, बहुत छोटा सा रूम है और यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है जिसपे शायद ही कभी कभी खाना खाया जाता है जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, अदरवाइज हम लोग वहीं पर खाना खाते हैं जो हमारा लिविंग रूम है जहाँ टीवी भी देखते हैं। तो यहाँ पर खाने के समय टीवी नहीं मिलती लोगों को और कोई एंटरटेनमेंट नहीं, तो यहाँ खाना खाने में सब लोग कतराते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल जो है कभी कभी यूज होती है और रेगुलर बेसिस पे ये बच्चों के पढ़ने के काम आती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बच्चे अभी देखो कैसे उलट पलट करके गए हैं। तो देखा आपने,
तो ये ऐसे करते हैं, इनको जो बुक्स कॉपीज चाहिए होती है या जो बैग से निकालते हैं ऐसे, और मैं रोज रेगुलर बेसिस पे एक समेटती हूँ इनके, सही से इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये शाम तक ही वैसे ही हो जाते हैं। अभी सुबह और बिखरे, यहाँ तक भी नहीं है, इनको और स्कैटर करके इसमें से ढूंढ ढूंढ के फिर कल स्कूल का टाइम टेबल सेट किया जाएगा। था खैर ये रेगुलर का प्रॉब्लम है, रेगुलर की हमारे काम है, और मुझे आ रहा है थोड़ा थोड़ा पसीना। तो मैं बताने चाह रही थी कि हाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया और एक खुशखबरी है मेरे लिए, तो वो है कि मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, और जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत अचीव भी किया। मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, जिन्होंने भी नहीं देखा है मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो वो जाके देख लिया, मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, वो देख लेंगे कि मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी और बहुत पैशन के साथ मैंने स्टडी की है। शादी के बाद तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा बेटा जब हो गया था बड़ा वाला उसके बाद तक मैंने एग्ज़ाम दिए और मुझे गवर्नमेंट जॉब भी जो है मिली, बट मैं कर नहीं पाई, वो कुछ अलग रीजंस थे और एक अलग स्टोरी वो जो मैं उसमें बता चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने जेटकिंग वगैरह भी किया, बट जब से मेरा एक छोटा बेटा हुआ और जब से मैं इस अपने घर में शिफ्ट हुई, तब से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई कि फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, और पढ़ाई भी नहीं कर पाई, और दो बच्चे हो गए, तो फिर जॉब वॉब का जो एक सीन था ना माइंड में, जो एक विश थी वो भी कहीं ना कहीं हट गई कि यार जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, अब तब तो एक बेटा था और अब तो दो हैं, और अब पहले इन लॉज साथ में थे, अब तो हम एक न्यूक्लियर फैमिली हैं, तो अब कैसे होगा, तो मैंने छोड़ दिया था। अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है अब तुम फॉर्म वॉर्म डालना शुरू करो, अरे कुछ नहीं तो कम से कम कुछ एक्सपीरियंस कि अब का क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो ये सब था। तो जो आज से मैंने पहले, मतलब अभी से पहले जब मैं 10-11 साल पहले फॉर्म डालती थी, तब कोई सीटेट वीटेट का सीन नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होती थी कि अगर आपको TGT के लिए डालना है तो आप BEd हो और वो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, दैट्स इनफ। और अगर आपको PGT के लिए भरना है तो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट होना था, साथ में BEd। तो ये सारी चीज़ें थी, कोई CTET, कोई TET, कोई UPTET, कोई फलाना TET, ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अब जब उन्होंने बोला कि फॉर्म वॉर्म डाला करो, तो फिर ये हुआ कि अरे अब तो फिर अगर फॉर्म डालना है, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई कंपटीशन बीट करना है, तो पहले सीटेट क्लियर करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट दिसंबर में मैंने दिया 2018 में, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे नहीं पता था और बहुत टाइम भी हो गया था। तब भी मैं लखनऊ चली गई थी, मेरी कज़िन की शादी थी और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन प्रिपरेशन तो इस बार भी नहीं इतनी अच्छी की थी, बस थोड़ी बहुत ऑनलाइन स्टडी की थी, बाकी मेरा पूर्व ज्ञान यानी कि पहले का पढ़ा लिखा, जो कहते नहीं है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कभी ज़ाया नहीं जाती है, तो कुछ वही हुआ कि मेरी पढ़ाई लिखाई आज भी मेरे साथ है और मेरे काम आती है वक्त वक्त पे, तो वही हुआ, मुझे स्टडी का टाइम नहीं मिला। और आप समझ सकते हैं स्टडी का टाइम कहाँ मिल पाता है, आपकी इतने जब बच्चे हैं और उनकी स्टडी, उनके ट्यूशन, उनका फलाना टिफिन, खाना पीना दिन भर, तो इन सब चीज़ों की वजह से नहीं मिल पाया था। और उसमें मेरी मिस्टेक हो गई, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और जब मैं पेपर देने गई थी तो वहाँ पर कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई थी, ऐसा नहीं कि मैं आंसर में गलतियों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने में गलतियाँ हो गई थी और कुछ पेपर देने में भी। क्या हुआ बेटू? वो खा लो भुट्टे उबाल के रखे मैंने आपके लिए, फिर गया भटूरा भी रखा है, फिर मैंने जो है उसमें मैं नहीं क्लियर कर पाई थी, तो मुझे वो भी था कि क्लियर मुझे पहले ही पता हो गया था, जैसे ही वो गलती हो गई ना तो वही एग्जामिनेशन हॉल में ही मुझे पता चल गया था कि अब मैं बस यहाँ बैठ रही हूँ, बिकॉज
जब मुझे पता चला कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, तो खैर वो तो बात एक सीन अलग हो गया था कि रिजल्ट मुझे पता था, तो उसमें मेरी गलती की वजह से मैं नहीं क्लियर कर पाई थी। बट दिस टाइम मैं वहाँ पर मेरा थोड़ा सा हौसला कमज़ोर हो गया था। मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप काफ़ी टाइम के बाद एक बार लेते हो, पहली बात तो जब आप 35 क्रॉस कर लेते हो तब आपकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, या फिर आप कंटिन्यूएशन में हो तब नहीं, मैं तब नहीं कहूँगी। जैसे कि जो गर्ल्स जॉब करती रहती हैं पूरा टाइम, उनका बरकरार रहता है, या जो पढ़ाई में रहती हैं उनका क्या, 35 साल की औरतें पढ़ाई PhD कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, कोर्सेज कर रही हैं, मैं उनकी बात नहीं, मैं अपनी जैसी लेडीज़ की बात कर रही हूँ कि जब वो 10, 12, 13, 15 साल पहले एकदम छोड़ देती हैं पढ़ाई और वो किसी और तरफ उनका ध्यान चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि बहुत मुश्किल होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। जैसे वो कहते नहीं, हथियार यूज़ नहीं किए जाते हैं तो उनकी धार जो है चली जाती है, तो कुछ वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि पढ़ने में थोड़ा मन, बुक्स में जब आप मन लगाते हैं, जब तक आप एक समा बनाते हैं कि चलो आप पढ़ाई करते, जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनता है तब तक कोई मम्मा, अब जैसे कि मैं बात की मम्मा भूख लगी, मम्मा ये बता दो, मम्मा मेरा वो नहीं मिल रहा, ऐसे करके ना फिर मुझे बहुत चिड़चिड़ी आने लगी, तो मैंने बुक्स एक कोने में रखी थी और फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं उस टाइप में। खैर थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार पढ़ाई तो इतनी की नहीं है, और सुन बहुत रहे थे कि लोग 4-4 बार से अपीयर हो रहे हैं और 3-3 बार से अपीयर हो रहे हैं और उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, जो जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है या जो अभी भी बीएड करके निकले हैं या जो टीचिंग कर रहे हैं, यानी जो पढ़ाई लिखाई के टच में है, जिसके आसपास का माहौल मतलब इन्हीं स्टडी से रिलेटेड है, स्टूडेंट है, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था कि यार मैंने तो इतने टाइम से पढ़ाई नहीं करी है, मैं कैसे क्लियर करूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी जब दोबारा उन्होंने फॉर्म डालने को कहा जुलाई वाला, ये जो 7 जुलाई को मेरा पेपर हुआ, तो उन्होंने कहा भर दो, उन्होंने ने एक्चुअली भरा, मैंने क्या भरा, उन्होंने ऑफिस से भरा, तो मैंने कहा देखो मैं आपके कहने से भर तो रही हूँ लेकिन अब मुझे लगता नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया और अब इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, वो माहौल नहीं है, वो जज्बा भी अब थोड़ा कम हो गया है, या तो मुझे अभी ये करते करते स्टेप बाय स्टेप वो फिर से आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट टाइम तो लगेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम भर दो, तो मैंने भर दिया। फिर मैंने कहा कि अब भरा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की, फिर उसके बाद देवर की शादी के बाद जून लास्ट में आई थी, फिर इन लोगों के जो है वो तैयारी करवानी थी, मोस्टली एक घंटा मैंने जब भी फ़ोन उठाया, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की थी, बिकॉज उस टाइम पे बच्चों का प्रिपरेशन होमवर्क जो समर का था वो कराना बहुत ज़रूरी था, तो और साथ में एक घंटे की अपनी पढ़ाई भी करनी थी, तो वो फिर मैंने जो है थोड़ी थोड़ी की ऑनलाइन बुक कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो मेरी पढ़ाई इतनी काम नहीं है कि ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा उसकी बेसिस पे मैंने एक घंटे की पढ़ाई पे, नहीं, जो मैंने पहले मेहनत की थी, जो मेरा पहले का पढ़ा लिखा था, पढ़ा हुआ था मेरे दिमाग में, जो प्रिंसिपल, जो लॉज, जो थेरीज मेरी जो क्लियर थी माइंड में, जो आज भी क्लियर है, वो मेरे बहुत काम आया, और उस बेसिस पे मैंने ये अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ टीचिंग कॉम्पिटिशन, तो अब मैं कोई भी टीचिंग के लिए अपीयर कर सकती हूँ किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो इस बात की खुशी थी। और अब मेरा इससे जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत, मतलब ये कहते हैं ना जूम से ऐसे हो गया है, तो ऐसे होता है हर हाउसवाइफ की कि जब आप कोई एक चीज़ छोड़ देते हैं, आप कितने भी परफेक्ट हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने स्टूडियस हो, लेकिन जब आप एक चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो भी 1-2 साल नहीं, मुझे पूरे पूरे 12-13 साल हो रहे थे, तो मुश्किल हो जाती है। और लेकिन खुशी है कि जो है मेरी थोड़ी थोड़ी मेहनत और मेरे पहले की बहुत सारी मेहनत, अभी की थोड़ी और पहले की बहुत, मैंने बहुत मेहनत की अपनी पढ़ाई पे,
जब भी जब मेरा स्टूडेंट पीरियड था, जो मेरा स्टडी का टाइम था, शादी से पहले, शादी के बाद भी बहुत पढ़ाई की है, तो वो मेरा काम आया और मैंने ये कर लिया। तो बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। और अगर आप जो है कुछ इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। और हाँ, क्या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मेरे वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाहर सब्जी वाला चीख रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा